मिक्स्ड तो इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि उसमें सोशलिस्ट इकोनॉमी के भी लक्षण होते हैं कि कुछ चीजें सरकार लेके चलती है hmm. और जो क्या बोलते हैं जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है जो उदारवादी उसकी भी कुछ विशेषताएं इसमें होती हैं तो मतलब क्या है कि कहा गया कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर यानी कि इसमें प्राइवेट उदारवादी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था की दोनों की आधी आधी विशेषताएं पाई जाती है जी सर समझ में आया हम्म मतलब कि यहाँ सरकार भी काम करेगी यहाँ प्राइवेट व्यक्ति भी जिसके पास पैसा होगा वो अपना फैक्ट्री खोलेगा लेकिन ज्यादा उसमें शेयर गवर्नमेंट देखिए जो चीजें क्या है कि जो गवर्नमेंट जैसे ओवरऑल अगर गवर्नमेंट तो हर चीज रन करा रही है ठीक है ओवरऑल हर चीज गवर्नमेंट रन करा रही है और अगर ओवरऑल गवर्नमेंट हर चीज रन करा रही है तो इसका मतलब क्या हंड्रेड परसेंट गवर्नमेंट ने उसको कर दिया है मतलब पूरे भारत में क्या है जैसे मान लीजिए कि हम आपको शुरुआत में बता दे रहे हैं मान लीजिए सामाजिक अर्थव्यवस्था है इसका मतलब कि जितने भी उत्पादन जितने भी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साधन है सब क्या है सरकारी है जी अब उस सरकार उसको क्या करना चाह रही है उसको मिक्स्ड बनाना चाह रही है तो मिक्स्ड बनाने का मतलब क्या कि अभी तो हंड्रेड परसेंट समाजवादी में सरकार ही है लेकिन अब वो क्या कर रही है जो अपनी सौ परसेंट लगा के जो अपनी कंपनी वो खोली थी पूरे देश भर में जी। उसका बीस परसेंट शेयर बेच रही है कि हम की बार जो नई लगा रहे हैं उसमें अस्सी परसेंट हम लगाएंगे अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो बीस परसेंट लगाए तो प्राइवेट वाला मौका मिल रहा है ना उसको गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग और उसके बाद धीरे धीरे वो क्या करती जाएगी अपना शेयर घटाती जाएगी ठीक और प्राइवेट लोग उसमें उस क्या करते जाएंगे इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे एक टाइम ऐसा आएगा जहां सरकार फिफ्टी फिफ्टी पे आ जाएगी लेकिन फिफ्टी फिफ्टी पे नहीं आएगी क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जहां सरकार प्राइवेट सेक्टर को शेयर नहीं दे सकती है जैसे परमाणु ठीक है रिसर्च ये सारी चीजें जो मतलब जनता के लिए खतरनाक है कि हाँ ये जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं क्योंकि सरकार हमारे ऊपर क्योंकि उंगली तो आप उठाएंगे सरकार के ऊपर ना जी सर तो ठीक है तो वो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वो प्राइवेट सेक्टर में शेयर नहीं करती है इसके कारण वो लगभग इक्यावन तक मिनिमम इक्यावन तक वो रह जाती है ताकि वनचास से आगे ना बढ़ पाए प्राइवेट सेक्टर के लोग तो इसका मतलब कि वनचास परसेंट यानी वनचास लोग प्राइवेट वाले हैं और इक्यावन लोग क्या है सरकारी है बस और जहां बराबर हो जाता है वहां फिफ्टी फिफ्टी यानी पूरी तरह से देखा जाए तो वो सेक्टर में ही होता है अब जैसे सरकार धीरे धीरे अपना शेयर घटाती जाएगी और कोई टाइम ऐसा आएगा कि तीस परसेंट सरकार का शेयर हो गया ठीक है तो सरकार का तीस परसेंट शेयर हो गया तो इसका मतलब कि जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं वो कितना लगा रहे हैं 70. 70. तो कहीं ना कहीं हम उदारवादी अर्थव्यवस्था की तरफ भाग रहे हैं नहीं hmm. तो एक इकोनॉमी लीजिए सामाजिक लीजिए सामाजिक में मिक्स भी आ जाएगी यानी कि अगर हम फिफ्टी फिफ्टी पे रुक गए तो हो हो गया गई और अगर हम 50's नीचे चले गए प्राइवेट सेक्टर ज्यादा हो गया तो हमने कल लिखवाया था ना क्या क्लियर हो गया ठीक सरकार का रोल उसमें मिनिमम होता जाता है बस ठीक है थैंक यू चलिए अब हम लोग आज क्या पढ़ना है तो आज हम आप लोगों को लिखवा दें लिखना थोड़ा बहुत पसंद करेंगे जी सर सर विकास के आधार पर वर्गीकरण आप कल बताए थे तो उसी को फिर से एक्सप्लेन कीजिएगा क्योंकि आप कल एकदम फटाफट शॉर्ट में उसको बस बता दिए थे कि विकास के आधार पर तीन टाइप का होता है विकसित विकासशील और अविकसित हाँ, हाँ जी सर ठीक है चलिए विकास के आधार पर तीन चीजें होंगी हाँ आप लोगों ने उसको बना लिया था ग्राफ जो बनाने के लिए बोले थे जी सर जी सर जी सर बना ले ओके विकास के आधार पर जो वर्गीकरण हुआ था इसमें कौन कौन सा था अविकसित ठीक है अल्प विकसित तथा विकासशील चलिए ठीक है इसमें हम आप लोगों को आज थोड़ा सा कुछ पेपर के ध्यान रखिएगा यहाँ पर देखिए हम इसलिए थ्योरी आपको ज्यादा वो सब नहीं उसमें पीएचडी नहीं करा रहे हैं ताकि आपको हम वही पढ़ा रहे हैं उतना सेलेक्टेड टॉपिक पर टॉपिक से उतना ही पढ़ा रहे हैं जितना आपके एग्जाम में आने की संभावना रहती है जो क्या है एकदम कोरिलेट करता है जैसे कोई चीज चर जैसे करंट में आप लोग कंफ्यूज होते हैं करंट में कंफ्यूज मत होइए कभी कभी देखिए पॉलिटी में कोई मैटर ऐसा उठ जाता है जो कि वो अनुच्छेद टकरा रहा होगा संविधान ठीक है तो वो तुरंत अनुच्छेद तुरंत वर्तमान का करंट का क्वेश्चन बन गया आप समझिए पेपर की टेंडेंसी क्या है कि अब जैसे कश्मीर का मुद्दा उठा तो वहां पर पॉलिटिकल क्वेश्चन तो बनेगा ही ना कि 370 अनुच्छेद है यस yes, तो अब लोग कहते हैं करे पॉलिटी से क्वेश्चन आया पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं आया था वो पॉलिटी तैयार थी उसी से कोरिलेट करके वर्तमान में क्वेश्चन आया जैसे की हाँ बोलिए हाँ अभी से करंट अफेयर है इकोनॉमिक्स का और थोड़ा सा अच्छा लेवल का आ जाता है कि ये हाँ। है, स्कीम है हाँ। उसमें भी अंदर बहुत डिटेल में आता है कि ये यह, यहाँ तक ऐसे रहेगा जैसे कि इस नहीं बार काफी अच्छा पूछा अभी, में, अभी हम आप एक एग्जाम्पल देते हैं अभी एक जो मैटर है एक स्थान है जिसको जूका बोला जा रहा है इस जूका नामक घाटी है ठीक है और वो है असम और नागालैंड के बॉर्डर पे मणिपुर नागालैंड ठीक है हाँ मणिपुर और नागालैंड अब वहां पर स्थिति क्या है वो क्यों है क्योंकि उसे कुछ अभी वहां पर कुछ क्या बोलते घूमने वाली साइट है तमाम प्रकार की तितलियां आ रही हैं वहां पे तो उसे क्या है वो हाईलाइट हो गया अब वो असम में आधा पार्ट असम में है तो अब यहाँ पर जो हाई लेवल का क्वेश्चन बनता है कि वहां पर पहला कथन देगा जूका घाटी तितलियों के संरक्षण के कारण इस समय चर्चा में है ठीक दूसरा कथन दे दे रहा है क्या हार्निवल महोत्सव असम में मनाया जाता है इनमें से पहला सही है पहला दूसरा दोनों सही है कि दूसरा सही है कि पहला दूसरा दोनों सही नहीं अब क्या आंसर है क्योंकि असम मिला तो असम का जो त्योहार है वो जो हार्निवल वो मनाया जाता है का घाटी वहीं पे है तो बस इस तरह से वो घुमाता है केवल जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप क्वेश्चन में नहीं गड़बड़ाओगे क्लियर ये सर हाँ तो बस वही चीजें हैं कि जो चर्चा में चल रही जैसे देखिए वेनेडियम पाया गया है अरुणाचल प्रदेश में अभी अब वेनेडियम से रिलेटेड क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट एक आना है आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि वेनेडियम कहाँ पाया गया अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम किसके लिए होता है स्टील का अलाय होता है बी है उसका ऑक्सीकरण होता है उसको अगर मेल्ट कर दिया जाए स्टील में तो वो इतना मजबूत बन जाएगा कि जहाज वहाज बनाने में बड़ा आराम रहेगा कि जल्दी टूटेगी फूटेगी ठीक है मेलेडियम है नहीं अभी लिथियम पाया गया है कर्नाटक में लिथियम के चक्कर में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि बोलिबिया में सबसे ज्यादा लिथियम है चाइना तो प्राकृतिक दृष्टि से बहुत समृद्ध है तो कर्नाटक वाला पोर्सन जो पाया गया है वहां पे लिथियम पाया गया है असम में कुछ चीजें अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम पाया गया है ठीक है अब इस समय क्या है कि अब करंट अगर अपडेट करते हैं तो देखिए नॉर्वे एक ऐसा देश बना है जहां पर 2020 में चौवन परसेंट केवल इलेक्ट्रिक कार बिकी है पोल्यूशन वाली कोई बातें नहीं हो रही तो अगर वहां बिकी है तो उससे रिलेटेड तुरंत क्वेश्चन बन गया या तो दो बनेगा कि भारत में कितने परसेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज हो रहा है और नॉर्वे में कितना यूज हो रहा है तो अब स्थिति यही है पासपोर्ट का आया है पासपोर्ट में सबसे टॉप पोजीशन पे जापान है दूसरे नंबर पे सिंगापुर है पाकिस्तान आपसे बढ़िया सॉरी क्या बोलते हैं अफगानिस्तान के ऊपर आप हैं आप तो पचासवें पचास फाइव पे तो जब आप डेट रखेंगे चीजें थोड़ा डिस्क्राइब करके पढ़िए वन लाइनर पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला आज के पेपर ठीक है तो वही सारी चीजें हैं तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए बाकी हम सारी चीजें आपको करंट से रिलेटेड अगर इकोनॉमिक्स में आएगा तो सारी चीजें हम बताते चलेंगे इसलिए हम आराम से पढ़ा रहे हैं ताकि आपका एकदम कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए रटने की कोई जरूरत नहीं देखिए हमने देखा था एक विकसित अर्थव्यवस्था अब देखिए हमने कहा था कि इन ती, तीनों में सबसे मेन पॉइंट क्या है मतलब कि ये विकसित और विकासशील किस आधार पर कहा जा रहा विकास के आधार पर तो हमारे पास विकास करने के आधार क्या है दो तीन है जो हमें नेचर ने दिया है और जो हमने कुछ बनाया है जिसका हमने क्या किया है वि निर्माण यानी रिकंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चर किया है तो हमने बनाया क्या है मशीनरी ठीक है और इसके बाद तीसरा स्वयं हम है तो अगर ये बताइए कि स्थिति ये आ जाती है कि आदमी की जो तीन व्यवस्था है कि यानी कि नेचुरल फिजिकल एंड ह्यूमन कल हमने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर हमारी सरकार हमें अच्छे से पढ़ा लिखा के डॉक्टर और इंजीनियर बनाएगी तो हम विदेश जाएंगे ठीक है तो हम पैसा ले आएंगे तो यहां मुद्दा ये यह आ रहा है कि इन तीनों की जो मात्रा होनी चाहिए पहले तो ये ध्यान रखिए कि ये तीनों बराबर मात्रा में है लेकिन उसका अगर आप उपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप क्या है तो भी आप गड़बड़ है अगर आप उपयोग अधिक कर ले रहे हैं तो इसका मतलब कि आप अब जैसी मान के चलिए कि एग्जांपल हम सिंपल सा दे सारे लोगों के पास तीन लोग हैं तो तीनों लोगों के पास गन्ना है एक क्योंकि हमें जब पैदा हुए हम पाषाण काल में रामा पिथेकस ऑस्ट्रेलो पिथेकस और हिडल वर्ग के टाइप के उसके बाद आए हम होमोसोपियंस में जब डेवलप हुए हमको एक गन्ना मिला गन्ना क्या है कैश क्रॉप है ना पैसा कमाया जा सकता है नगदी फसल है ना गन्ना यस सर तो सर अब इस मुद्रा ये आया कि तीन लोग हैं एक ने मुंह से के केवल क्या कर लिया पेट भर लिया एक गन्ने को एक ने क्या किया दिमाग लगाया देखिए मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उसने क्या किया कि उसने उस गन्ने को उस गन्ने का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए जो वहां उपस्थित खनिज था मेटल था उसको निकाल के दो चक्करी बनाया और उसने एक मशीन बना डाली किसके चक्कर में गन्ने में से जूस निकालने के चक्कर में इसका मतलब मशीनरी का भी तो अविष्कार हो गया ठीक अब वो गन्ने में से दो गिलास जूस निकाल रहा नहीं निकल सकता क्योंकि गन्ने वाले पास हम लोग जाते हैं तो देखते हैं उसकी जान निकाल देता है ठीक <laughs> है बोलना पड़ता है कि भाई अब कुछ है नहीं दो गिलास मिला अब देखिए कि जो मुंह से चुहा था गन्ना अगर उस गन्ने को जो चूके फेंके हैं अगर उसको मशीन में डाल दिया जाए तो रस नहीं निकलेगा निकलेगा क्योंकि दांत दांत कितना दबा पाएगा मशीन की तरफ तो नहीं दबा पाएगा ना क्या मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हुआ था गन ने का नहीं हुआ था नहीं हुआ था दूसरा वाला दो गिलास निकाला अब दो गिलास निकाला तो एक गिलास अपनी बेसिक नीड पूरी करेगा पेट भरेगा पहले और एक गिलास क्या है किसी दूसरे को क्या करेगा बेचेगा तो उसके पास कितना आया ₹10 हम्म ठीक है अब देखिए यही विकास की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब एक व्यक्ति ने गन्ना चू केवल एक गिलास गिला एक व्यक्ति ने मशीनरी का प्रयोग किया अब उसके यहाँ जितने लोग गन्ना लेके आएंगे सब मशीन देखेंगे क्योंकि जो चीज हम हम देख जाते हैं हैं उसको हम पाना चाहते हैं, बनाते हैं ठीक है अब तीसरा वाला क्या था तीसरा वाला देखिए कहा कि जब गन्ने का वो खुज्जा उठाया तो उसने कहा क्या अभी इसमें से कुछ निकल सकता है क्योंकि गुरु ने पढ़ाया था इकोनॉमिक्स वाली क्लास से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किसी चीज में से जितना निकाल पाओ उतना निकाल लो उसने कहा कि भाई गन्ना तो नहीं निकल सकता है लेकिन पैसा निकलना चाहिए आउटपुट फाइनली रिजल्ट क्या होना चाहिए पैसा अब हम ऑनलाइन पढ़े ऑफलाइन पढ़े चाहे घर में पढ़े चाहे सो के पढ़े चाहे रो के पढ़े बस पास हो गए समझ लो सब कुछ तर गया हमको फाइनली क्या चाहिए रिजल्ट जी, अब तीसरा क्या हुआ कि उसने कहा कि ऐसा है कि अब देखो उसने क्या इंटेलेक्चुअल आदमी था बहुत बुद्धिमान उसने कहा कि इकोनॉमिक्स में क्योंकि इकोनॉमिक्स का कभी अंत नहीं होता है जैसे जैसे आप चलते जाएंगे प्रॉब्लम आती रहेगी और उसको बदलाव होता रहेगा इसलिए किताबें आपकी बढ़ती रहेंगी इसलिए इकोनॉमी को करंट के बेस में रखा गया है ठीक अब तीसरा वाला क्या कह रहा है कि एक काम करते हैं उसने कहा कि मशीन तो है ही दो गिलास गन्ना निकाल लेते हैं क्योंकि तो मशीन तो मार्केट में आई गई थी एक जन ने गन्ना निकालने के चक्कर में आविष्कार कर दिया मशीन आ गई अब देखिए स्थिति क्या हुई कि उसने कहा कि देखो यूटिलाइजेशन करना हमारा उद्देश्य क्या है पैसा 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 निकालना पैसा निकालना निकालना यूटिलाइजेशन अब गन्ने में से अब ये बताइए कैसे निकालेंगे गन्ने में से जूस तो अब निकलने वाला नहीं right, लेकिन हमने क्या किया हमने देखा कि आदमी की प्रेफरेंस क्योंकि कहा जाता है टेस्ट इज बेस्ट भले वो बेस्ट ना हो <laughs> अब लोग क्या प्रेफर करते हैं हर आदमी लग्जरियस लाइफ जीना चाहता है जैसे अब हम लोग गांव से हैं तो अगर हम लोग गन्ना पीते हैं तो एक गिलास गन्ने के जूस पीने के बाद दोबारा हिम्मत नहीं करती है कि गन्ना हम पी साए क्योंकि इतना मीठा होता है गाढ़ा होता है लेकिन आप लोग दो दो गिलास पी जाते हो क्योंकि जानते हो आप वन फोर्थ गन्ना पीते हो तीन गुना पानी पीते हो पैसा तो देते हो उतना ही ठीक है तो हमने क्या किया कि हमने कहा कि ऐसा है कि इस गन्ने को देहात में ना बेचो हमने फिर इकोनॉमी लगाई क्योंकि इकोनॉमी का रूल है कि कहा कब कितने में कैसे बेचना है तो हमने कहा हाँ। कि कैसा है कि शहर वाले फिफ्टी परसेंट ओरिजिनल पीते हैं गांव वाले तो तुरंत पकड़ लेंगे जीप डालते ही तुरंत जान जाएंगे इसमें पानी मिला मार भी खा जाओगे ठीक है तो स्थिति क्या है तो उन्होंने कहा कि काम करो शहर में बेचो अब ये बताइए दो गिलास गन्ने में अगर दो गिलास पानी मिला दिया जाए तो पहले तो आप क्या पीते थे पहले आप एक गुना गन्ना वन फोर्थ गन्ना पीते थे फिर भी हम आपको ओरिजिनल पिला रहे हैं कितना 50 परसेंट पिला रहे हैं गन्ना पहले कितना पीते थे ठीक है वन फोर्थ अब हम 50 परसेंट पिला रहे हैं ये बताइए टोटल मिला के दो गिलास गन्ने का जूस दो गिलास पानी बर्फ है मतलब तो कितना हो गया गन्ना चार गिलास चार गिलास बनाया जा सकता है नहीं सारे लोग सेटिस्फाई हैं तभी हम बनाएंगे यस सर बनाया जा सकता है बन जाएगा देख लीजिए तैयार हुए हैं सारे ठीक है <laughs> अब देखिए हमको कितनी नीड है क्योंकि हम भी तो स्टैंडर्ड लाइफ जीना चाहते हैं क्योंकि हम भी ठंडा पीना चाहते हैं भाई एक एक गिलास हम पी लिए अब बेच कितना रहे हैं हम तीन गिलास तीन गिलास तो अब देखो तीनों में क्लियर हो गया क्या कि हमने प्राकृतिक हमें क्या मिला प्राकृतिक हमें मिला गन्ना थी। फिजिकल थी। हमने गन्ने की मशीन देखी ठीक थी। और उसके बाद जो क्या बोलते हैं हम अपनी नीड को भी फुलफिल किए आराम से सबके साथ अच्छी लाइफ जी के क्योंकि हम भी ठंडा पी रहे हैं तो ये बताइए कि एक तो हो गया कौन जो गन्ना मुंह से चूस रहा और पी रहा है मतलब नो नो चल रहा खा रहा है और जी, है? जी रहा है तो इसको मान लेते हैं हम पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था हो गई ठीक <laughs> अब दूसरा क्या है और एक दूसरा क्या है कि दूसरा ये कर रहा है कि गन्ना लाके और उसके बाद मशीन में एक गिलास बेच रहा है तो ये भारत की अर्थव्यवस्था हो हो गई, हो गई? है दस रुपया और तीस रुपया नहीं बेचने वाली बात हम नहीं कर रहे हैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश किए ठीक है तो इसका मतलब कि सबसे टॉप क्लास की अर्थव्यवस्था कौन हो गई जिसने तीनों चीज का यूज किया स्वयं को भी अच्छी लाइफ अच्छा महसूस कराया ठंडा पी के तीन लोगों को बेचा भी और मशीन का भी प्रयोग हो रहा है इसका मतलब हमारे पास तीन प्रकार के रिसोर्सेस हैं कौन कौन से समझ में आ गया यस सर प्राकृतिक भौतिक और मानवीय हाँ तो तीनों एक जगह इकट्ठा होते हैं ना जी सर जैसे मस... ठीक है तीनों एक जगह इकट्ठा होते हैं और तीनों का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से जो कर लेता है वही विकसित कहलाता है और जो थोड़ा कर पाता है वो अल्प विकसित या विकासशील कहलाता है और जो बिल्कुल नहीं कर पा रहा है केवल नो प्रॉफिट नो लॉस पे जी रहा वो कहलाता है क्या अविकसित अविकसित ठीक है तो यानी में नो प्रॉफिट नो लॉस पे तो हो सकता है किसी दिन गन्ना खराब निकल जाए तो उस दिन भूखे रहना पड़ेगा ठीक है लेकिन भारत में अगर गन्ना खराब निकल जाएगा तो हम एक दिन बेचेंगे नहीं पी लेंगे दूसरा वाला क्या बात कर यही तो है तो इसीलिए में आप चलिए आप लोग तुरंत लिख लीजिए अब पहले हेडिंग डालिए अविकसित अविकसित तो ना हाँ अविकसित डालिए हाँ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी अविकसित बोले जी सर लिखे हम अंग्रेजी हिंदी दोनों लोगों को बोल दे रहे हैं एकदम क्लियरली लिखे आप लोग लिखेंगे अविकसित अर्थव्यवस्था सॉरी उन देशों को अविकसित कहा जाता है दोज कंट्रीज आर सैड टू बी अंडर डेवलप्ड उन देशों को अविकसित कहा जाता है जहां तीनों प्रकार के साधनों दोज कंट्रीज are said to be underdeveloped where one of the three types of where one of the three types of means natural physical and human लिख लीजिए पहले इन लोग दिखवा देंगे अंग्रेजी वाले हिंदी वाले लोग दो मिनट रुक जाएंगे नेचुरल फिजिकल एंड ह्यूमन इज निगलेबल 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 एन ई जी एल आई जी आई बी एल निगलेबल ठीक है हिंदी वाले लोग लिखेंगे उन देशों को अविकसित कहा जाता है जहां तीनों प्रकार के साधनों जहां तीनों प्रकार के साधनों इन्वर्टेड कामा में रखेंगे प्राकृतिक भौतिक प्राकृतिक भौतिक तथा मानवीय में से तथा मानवीय में से तथा मानवीय में से कोई एक नगण्य हो कोई एक नगण्य हो एक नगर हो समझ में आया जी सर क्लियर हो गया इसमें क्या कह, कह रहा है, है कि प्राकृतिक या तो ऐसा हो कि जमीन ही ना हो खेती करने लायक कि गन्ना हम उगाए कहा ठीक है दूसरी चीज भौतिक या तो हमारे पास प्रकृति ने जो दिया है वो है लेकिन हमारे पास क्या है उसको उत्पादन करने आप जैसे कहीं पेट्रोल निकल रहा है और आपके पास कोई रिफाइनरी मशीनरी है ही नहीं तो नल से थोड़ी नमटोटी लगा के खींच पाएंगे तो क्या करना पड़ेगा हमारे पास कुछ है ही नहीं हमारे पास रहते हुए भी हम उसका क्या नहीं कर पा रहे, रहे। नहीं नहीं हैं और मानवीय है। पता like... चले कि प्राकृतिक भी है मशीन लाइक सर सर है ना अरे भाई हाँ ठीक like है, थीक है ही है ठीक है अब देखिए अब तीसरी चीज क्या है मानवीय मानवीय का मतलब क्या हुआ कि पता चल रहा है कि प्राकृतिक और भौतिक दोनों है लेकिन अफ्रीका की तरह लोग हैं सब कुछ है निकल जाएगा मशीन भी है लेकिन पता चला कि हमें उसे चलाने ही नहीं आता एक्सपर्टीज की बात कर रहा है एजुकेशन की बात कर रहा है क्योंकि अगर आपके पास दिमाग होगा तभी यूटिलाइजेशन करेंगे और दिमाग तभी आएगा क्योंकि दिमाग तो पैदाइशी होता है लेकिन उसको विकसित करती है कौन एजुकेशन ठीक है तो तीन चीजें हैं इसमें इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए आप लोग पोलर रीजन एंड सहारा डेजर्ट ध्रुवी क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्र ध्रुवी क्षेत्र कौन कौन से होंगे दो जरा बताइए बोलिए थोड़ा बात भी करते कहीं दो चार क्वेश्चन और निकल जाएंगे आप ध्रुवी क्षेत्र किसे कहते हैं पोलर रीजन क्या है भारत पूरे विश्व में पोलर रीजन तो सर पता आर्कटिक लेकिन ऐसा कोई, कोई पोलर रीजन मिला नहीं सर जहाँ पे अविकसित देश हो अच्छा की वो देश रीजन जैसे ध्रुवी प्रदेश अंटार्कटिका ठीक है और आर्कटिक बर्फ बर्फ ही बर है तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो क्या प्राकृतिक व्यवस्था है वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज तो वहाँ होगी सर तो। होंगे लेकिन हो आप कुछ ठीक है लेकिन अभी उसको नहीं सर ठीक है आप संभव नहीं अभी वहां संभव नहीं है जब पाएंगे तब पाएंगे ठीक है तो अभी का एग्जाम्पल तो हम पोलर रीजन ले सकते हैं ना जी सर सहारा डेजर्ट ले सकते हैं सहारा डेजर्ट यानी जो सहारा का क्या है रेगिस्तान उसको ले ले तो वो जो एरिया है उसका एरिया उधर क्या है उधर रेगिस्तान के नाते खेती नहीं हो पाएगी प्राकृतिक व्यवस्था नहीं हो पाएगी और यहाँ पे बर्फ के नाते नहीं हो पाएगी तो इसका मतलब ये दो रीजन है तो ये जो देश हैं ये अविकसित हैं तो इसीलिए तो हम अफ्रीका में ज्यादातर देश जो हैं वो अविकसित माने जा रहे हैं अभी इतने छोटे छोटे देश हैं क्यूबा है सोमालिया है नाइजर चांद सोमालिया मतलब बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पे आप अभी देखेंगे तो वो लोग मिट्टी की रोटी बना बना के खा रहे हैं क्योंकि उसमें कैल्शियम पाया जाता है और प्रोटीन पाया जाता है ये स्थिति है वहां के बच्चों की आप लोग कभी वो चीज देखते हैं तो जब जैसे भारत में एक फेमस चीज है कि जब नंगा धोती पहने और काला और दुबला पतला आदमी ऊपर की तरफ देख रहा है तब सिंबल है कि किसान है अगर बीआईपी बन गया तो किसान नहीं है ठीक है तो उसी तरह रेगिस्तान वाले बच्चे भी दिख जाते हैं उसी तरह से अब दूसरे पे आइएगा अल्प विकसित तथा विकासशील अर्थव्यवस्था अल्प विकसित तथा विकासशील अर्थव्यवस्था डेवलपिंग इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी दोनों में कंफ्यूजन नहीं हो रहा है अल्प विकसित अविकसित में अ का मतलब सीधे हिंदी में कह देता है कि विकसित नहीं है ठीक है और यहां कह रहा है कि विकसित है लेकिन क्या है? अल्प में थोड़े में विकसित है और वहां अविकसित है अ का मतलब नहीं कथन अल्प विकसित तथा विकासशील अर्थव्यवस्था इसका मतलब चल रही है लिखेगा ये दोनों एक... के बीच में आएगी हाँ, हाँ, ये कंटिन्यू चल रही है मतलब एक रनिंग पोजीशन में और अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग डेवलप्ड के बीच में जो आएगा सेक्शन वो होगा डेवलपिंग का हाँ, बस वही चीज़ थी. ठीक है अब उसके इसमें लिखिए एक अल्प विकसित तथा विकासशील देश वह है एंड अंडर डेवलप्ड ऊपर वाला भी हम लोग क्या लिखे हैं ऊपर वाला अंडर डेवलप्ड था सर यह डेवलपिंग है लेस डेवलप होना चाहिए ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा लेस डेवलप्ड कर ली लेस डेवलप्ड करिएगा लेस कौन सा होगा पहले वाला होगा ना नहीं विकासशील तो वाला होगा ना सर जो हाँ। तो है वही तो विकासशील है सर लिखिएगा आप लोग डेवलप छोड़िए इसको उस पर मुद्दा नहीं लिखे डेवलपिंग कंट्री इज वन

on the one hand on the one hand and and other hand and other hand min minimum amount of natural resources other hand मिनिमम अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस इज फाउंड हिंदी वाले लोग लिखेंगे एक विकासशील वह देश है एक विकासशील वह देश है जहां एक और अर्ध प्रयुक्त मानव शक्ति हो जहां एक और अर्ध प्रयुक्त मानव शक्ति हो भारत की स्थिति क्या है डेवलपिंग की है ठीक है अर्ध प्रयुक्त मानव शक्ति हो हमारे 100 हंड्रेड परसेंट लेबर के अंदर इंटेलिजेंसी है नहीं सर दो नहीं। हाँ, जहां एक और एक अर्ध प्रयुक्त मानव शक्ति हो और दूसरी ओर दूसरी ओर प्राकृतिक संसाधनों की प्राकृतिक संसाधनों की न्यूनतम मात्रा पाई जाती है न्यूनतम मात्रा पाई जाती है हमारे यहां तेल मिलता है हाँ, में सर बहुत कम हमने अभी लिखवाया क्या है भैया थोड़ा सा देख लिया करो तब बोला करो हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं न्यूनतम का मतलब एकदम जीरो जीरो ना कर दो जाता कम मात्रा में हाँ तो कम तो मात्रा में ठीक है अब जितना गल्फ कंट्री है और अमेरिका है और रशिया है उसकी अपेक्षा भारत में तेल कितना पाया जाता है हमने तो ये लिखवाया नहीं था कि हाँ तो ध्यान रखेगा इकोनॉमी है जरा सभी एक अगर वर्ड चूक गए तो मिनिमम को तो आप सोच लेंगे कुछ है ही नहीं गड़बड़ा जाएगा मैटर तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए हिंदी नहीं पढ़ रहे तेल की मात्रा बहुत कम पाई जाती है सोना कितना पाया जाता है ये भी पाया जाता है सर तो वही कर्नाटक कोलार हट्टी में पाया जाता है ठीक वो भी बंद पड़ी है हमारे यहाँ क्या पाया जाता है यूरेनियम पाया जाता, जाता है कि बेरियम पाया जाता है थोरियम थोरियम पाया जाता है।, थोरियम अब ये है ठीक है अब अमेरिका में सुनिए अमेरिका में और यूरोपियन कंट्री में चाइना में पाया जाता है क्या यूरेनियम सर दस लाख किलो कोयला से जितनी बिजली बनाएंगे क्योंकि आप भारत में सिक्सटी परसेंट कोल से ही क्या है आप बिजली जो पंखा चलता है आपका ये लगभग लगभग सिक्सटी परसेंट कोयले के ही ताप विद्युत से बनता है तो कोयले का हम दोहन कर रहे हैं जितना हम दस लाख किलो कोयला जलाकर बिजली बनाएंगे कंपेयर करिएगा दस लाख किलो कोयला जलाकर जितनी बिजली बनाएंगे उतनी बिजली एक किलो यूरेनियम में बन जाएगी ठीक लेकिन हमारे पास तो क्या है हमारे पास तो कोयला निकल रहा है यूरेनियम नहीं निकल रहा दक्षिण भारत में वो सिलिका बालू होता है उसी में थोरियम की मात्रा मिलती है इलाहाबाद में मिलती है लेकिन हमारे पास यूरेनियम नहीं मिल रहा है इसीलिए तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से हमने एग्रीमेंट किया है पिछले साल यूरेनियम के लिए क्योंकि हम उससे बिजली बना पाएंगे हमारी जो बिजली व्यवस्था है वो चल जाएगी लेकिन अब वो पॉल्यूशन भी नहीं फैलाएगा लेकिन 10 लाख किलो कोयला जमाओगे तो मालूम है आपको कितने लोग उसमें काले हो जाएंगे कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा कितना कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा हर चीजों को देख के इंक्लूसिव डेवलपमेंट के हिसाब से इकोनॉमी चलती है ठीक है तो हमारे पास क्या देखिए जो जो मेन मेन मेटल है जो मेन मेन धात्विक चीजें हैं जो मिनरल्स हैं हमारे यहाँ चांदी की पर्टिकुलर कोई खान नहीं चांदी सबसे ज्यादा कौन उत्पादन करता है मैक्सिको ठीक है सोना चीन ठीक है चाइना है उसके बाद देखिए लिथियम हमारे यहाँ है ही नहीं अभी वही पता चला सबसे ज्यादा लिथियम है कहां पर कहानेजुलाइना के पास है तो जो जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण संसाधन है हो सकता है कि हो हमारे देश में लेकिन अभी हम उस तक नहीं पहुंच पाए हैं ना अभी तो हम ही मान रहे हैं ना कि हो सकता है कल को हमारे यहाँ पेट्रोलियम का भंडार मिल जाए लेकिन अभी नहीं मिला तो अभी हमारे पास नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ दो कैटेगरी के, के मानव हैं। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर ह्यूमन रिसोर्स उसमें क्या हो आधे स्किल्ड हो या फोर्टी परसेंट स्किल्ड हो और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और मिनरल्स और जो जो प्राकृतिक संसाधन है उसकी भी हमारे पास क्या हो कमी हो तो है लेकिन हमारे पास क्या है कम है तो इसका मतलब कि हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन बढ़ रहे हैं हम विकसित नहीं हमारे पास हंड्रेड परसेंट नहीं क्लियर हो गया ना ठीक है इसमें लिखिएगा इसमें लिखिएगा विकसित देशों की तुलना में आप लोग भी लिखिए द लेवल ऑफ इनकम कंजप्शन सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन विकसित देशों की तुलना में तुलना में विकासशील देश की आय विकासशील देश की आय उपभोग बचत तथा पूंजी निर्माण का स्तर निम्न होता है तथा पूंजी निर्माण का स्तर निम्न होता है लेवल ऑफ इनकम कंजप्शन सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन इज लोअर दैन डेवलप्ड कंट्रीज इज लोअर देन डेवलप्ड कंट्रीज अब ये बताइए कि अगर हमारे, हमारे पिक कर देंगे क्या हाँ बिल्कुल बोल दे रहे हैं देखिए क्या हम क्या बोले थे विकसित देशों की तुलना में आय उपभोग बचत पूजी निर्माण हाँ पूजी निर्माण का स्तर निम्न होता है का स्तर निम्न होता हो गया आगे बढ़ा जाए ठीक है अभी आगे हम इसका जो है वो कैसे विकसित है कितना डिसाइड किया गया है कितना कैसे कैसे होगा सारी चीजें लिखवाएंगे तीसरा हेडिंग डालिए विकसित अर्थव्यवस्था डेवलप्ड इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी हिंदी वाले लोग लिखेंगे उन देशों को विकसित किया जाता है उन उन देशों को विकसित कहा जाता है जरा इसका थोड़ा सा डिफिनेशन आप लोग भी बताइए इतना पढ़ दिए होंगे तो समझ गए होंगे उन देशों को विकसित कहा, कहा जाता है पर कुशल मानवीय संसाधन हो और प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हो आ, तथा उन संसाधनों का बेह, बेहतर दोहन करने के लिए उपयुक्त मशीनें भी हो बिल्कुल बस क्लियर हो गया क्लियर समझ में आ गई चीजें उन देशों को विकसित कहा जाता है जहाँ उत्पादन के तीनों संसाधन लिखिए जहां उत्पादन जब अपने लग, अपने हिसाब से आप लोग परिभाषा बनाने लगे तो समझ लीजिए कि समझ में आ रहा है तो पेपर में यही चीजें तो चाहिए जहां उत्पादन के तीनों संसाधन प्राकृतिक मानवीय तथा भौतिक तथा भौतिक हम आपकी ही लैंग्वेज लिखवा रहे हैं बस हम थोड़ा सा टीक लिखवा दे रहे मानवीय तथा भौतिक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और उनका समुचित उपयोग हो रहा और उनका समुचित उपयोग हो रहा और उनका समुचित उपयोग हो रहा है अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे लिखेगा है कि नहीं कि हम झूठो बोल रहे हैं सर चलिए <laughs> नहीं किसी का आवाज नहीं आ रही थी कोई सांस नहीं ले रहा था सं चलिए लिखिए Those countries are called developed. Those countries are called developed. Where all the three resources, where all the three resources, all the three resources of production, of production. आर एवेलेबल आर एवेलेबल इन सफिशियंट क्वान्टिटी आर एवेलेबल इन सफिशियंट क्वान्टिटी कामा लगा के लिखेंगे नेचुरल हुमेन एंड फिजिकल नेचुरल हुमेन एंड फिजिकल एंड दे आर एंड दे आर बीइंग एंड दे आर बीइंग यूटिलाइज प्रॉपरली यूटिलाइज प्रॉपरली यूटिलाइज प्रॉपरली ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमने एक चीज आप लोगों को लिखवा दी अब हम आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बताते हैं आप लोग एक जरा लिखिएगा कि विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी सर लिखना है क्या हाँ लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी हो गया जी सर बोलिए देखिए क्या होता है कि एक वर्ल्ड बैंक जानते ही हैं आप लोग वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या किया जाता है कि जुलाई में प्रत्येक साल यानी प्रत्येक वर्ष जुलाई में लिखिएगा इसको प्रत्येक वर्ष जुलाई में प्रत्येक वर्ष जुलाई में विश्व बैंक द्वारा विश्व बैंक द्वारा द्वारा अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया जाता है का वर्गीकरण किया जाता है यानी इकोनॉमीज आर क्लासिफाइड बाय वर्ल्ड बैंक इन एवरी ईयर जुलाई किया जाता है जिसका आधार जिसका आधार आधार प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय होता है प्रति व्यक्ति सकल सकल राष्ट्रीय आय होता है आगे हम लोग जब पढ़ेंगे नेशनल इनकम तब उसमें राष्ट्रीय आय आए, आएगा आय आए होता है क्या कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष जुलाई में तो अब आप ध्यान रखिएगा कि हमने आपको एक क्वेश्चन करंट का बता दिया है क्या कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विभिन्न प्रकार की विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा किया जाता है तो वहां पर एशियन डेवलपमेंट बैंक रहेगा ठीक है आईएमएफ रहेगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रहेगा विश्व बैंक रहेगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये कौन करेगा क्योंकि वर्ल्ड बैंक ही करेगा तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का वर्गीकरण जो किया जाता है कि कैसे हम कहें कि ये गरीब देश है और ये अमीर देश है क्या निर्धारित हो जैसे कुछ निर्धारित तो होना चाहिए क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि हम कितना कमा रहे हैं कि हम कह दें कि नहीं हम गरीब हैं और हम कितना कमा रहे हैं कि हम कह दें कि अमीर हैं एक कोई मानक होना चाहिए ना तो विश्व बैंक ने जो निर्धारित किया है तो आप एक तरफ लिखिएगा निम्न आय वर्ग नीचे लिखिए पहला पॉइंट निम्न आय वर्ग सर वो सकल वाला जो था सर, वो बता दीजिए कैपिटल इनकम हुआ क्या सर वो हाँ पर कैपिटल इनकम ही है ठीक है निम्न आय वर्ग निम्न आय वर्ग डॉलर में निर्धारित अगर हम करेंगे तो कितना होगा 1025 डॉलर या उससे कम आगे उसकी लिखेगा 1025 या उससे कम तो सौ 1025 हाँ डॉलर की बात हो रही है अब आप जोड़ लीजिएगा रुपया रुपया अपने हिसाब से निकाल लीजिएगा क्योंकि कर... मतलब सर क्या हो गया? एक हजार पच्चीस अरे दस सौ से पच्चीस वन नहीं एक हजार पच्चीस डॉलर अगर प्रति व्यक्ति एक साल में इनकम पा रहा सर म्यूट हो गया सर आप म्यूट हो गए म्यूट हो गया, हो गया सर आ गई आवाज यस सर सर दोबारा दस... अमाउंट लिखिए अमाउंट लिखना है दस सौ पच्चीस डॉलर इसका मतलब कि जो राष्ट्रीय आय निकाली जाती है वो कितने टाइम में निकाली जाती है जैसे आपकी पेमेंट एक तारीख से तीस तारीख तक निकाली जाती है तो तीस तारीख तनख्वाह तो पाएंगे उसी तरह से सरकार का एक महीना होता है एक अप्रैल से इकतीस मार्च जिसे फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है या वित्त वर्ष कहा जाता है एक अप्रैल से इकतीस मार्च तो मान लीजिए कि सरकार के पास टोटल राष्ट्रीय आय आई यानी राष्ट्र के लोगों के द्वारा जो आई सौ रुपया आई मान लीजिए आए और उसके बाद अगर उसको हम पर व्यक्ति के हिसाब से देखें कि कितना है तो कितना कर देंगे सौ बटा जितने देश की जनसंख्या होगी तो मान लीजिए कि दस जनसंख्या है तो दस दहम सौ इसका मतलब एक व्यक्ति की एक साल में इनकम कितनी आ रही है दस अब विश्व बैंक ने कह दिया कि यदि किसी देश के लोगों का जो इनकम है वो दस सौ पच्चीस डॉलर या उससे कम है तो वे ये लोग किस श्रेणी के देश में आएंगे निम्न आए वर्ग अब हम अभी आप अपना पता लगा लीजिएगा कि हम लोग किस वर्ग में हैं कि हम लोग दस सौ पच्चीस रुपया दस सौ पच्चीस डॉलर साल भर में हकीकत में कमा पा रहे हैं कि नहीं कमा पा रहे हैं तब देखिएगा हम लोग विकासशील है कि अल्प विकसित ठीक है और उसके बाद दूसरा लिखेगा उच्च, वर, उच्च वर्ग उच्च आय वर्ग उच्च आय वर्ग सर इसको इंग्लिश में बताना है एक बार इंग्लिश लोअर इनकम अरे वही तो है जो अभी आप लिखे हैं विकसित विकसित ठीक है लोअर इनकम और उसके बाद ये है हाई इनकम तो इसका मतलब ये डेवलप है इन पे लिखेगा बारह हजार चार सौ छिहत्तर ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवेंटी सिक्स ये भी डॉलर सर हाँ डॉलर है कितने का गैप है बहुत ज्यादा गैप है ना जी सर कहा एक हजार कहाँ बारह हजार तो भाषा वही समझ लीजिए कि अमेरिका की स्थिति यही है बारह हजार चार सौ छिहत्तर रुपया वहां के अगर उसकी इकोनॉमी को रख दिया जाए और जो पूरा साल भर की नेशनल इनकम जुटती है अमेरिका के पास अगर उसे बांट दिया जाए तो लगभग साढ़े बारह हजार डॉलर पर, पर वहां पर उसके हाथ में होगा और भारत में कितना होगा बाईस सौ के आसपास है कुछ बाईस सौ के आसपास है और डॉलर कितना यहाँ दस सौ पच्चीस और अगर दस एक हजार डॉलर मान लिया जाए तो डॉलर इसमें कितना चल रहा लगभग पचहत्तर रुपए पचहत्तर रुपया तो एक हजार गुड़े पचहत्तर करिए कितना हुआ पचहत्तर हजार पचहत्तर हजार हो गया सर पचहत्तर हजार हो गया और बारह हजार करिए जरा बारह सत्तीस चौरासी आठ लाख चालीस हजार हाँ सर तब अब ये बताइए कि इसीलिए तो मुद्रा में देखिए हमेशा डिफरेंस है अगर आप सौ रुपया निकालेंगे ठीक तो वो आप क्या पाएंगे पचहत्तर रुपया निकालेंगे तो कुछ एक किलो खरीदेंगे और वह अगर वो एक डॉलर निकालेगा तो भी इसका मतलब आपसे बहुत आगे है ना यस सर तो इसीलिए उसकी मुद्रा भी उतनी मजबूत है तो ये दोनों है कि इसी आधार पर क्या किया जाता है कि अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया जाता है तो ये ध्यान रखिएगा ये दो आंकड़ा दे दिए अब भारत इसमें कहा है अभी जब जीडीपी का कैलकुलेशन होगा क्योंकि बजट पास होने वाला है फरवरी में तो आप लोग उसको जरा डिवाइड करिएगा अपने देश की जनसंख्या से क्योंकि हमारे यहाँ तो एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं कि जनसंख्या में आधे लोग तो बताए करते हैं कि हम हैं जिंदा <laughs> ठीक है इसलिए हम ओरिजिनल डेटा में नहीं पाते सर हाँ, इस ये जो वर्गीकरण है इसमें सर मध्यम आय वर्ग का भी श्रेणी है क्या हाँ बिल्कुल है अब दस सौ पच्चीस सबसे निम्न लिखवा दिए हैं और जो बारह हजार चार सौ छिहत्तर है वो सबसे उच्च लिखवा दिए हैं अब मध्यम में क्या है एक हजार से चार हजार भी हो सकता है चार हजार से बारह हजार के बीच में भी हो सकता है मध्यम में कौन आएगा दस सौ पच्चीस निम्न वाला है ठीक है लोअर वाला और मैक्सिमम वाला बारह हजार है तो दस सौ पच्चीस से आगे और बारह हजार पांच चार सौ छिहत्तर से जो आएगा इसी बीच में तो इसी बीच में तो हम रनिंग वाले पे मान लेंगे ना कि मध्यम वाले हैं जी सर ठीक है अब इसमें भी कैटेगरी बांटना चाहते हैं तो निम्न मध्यम वर्ग हो जाएगा उच्च मध्यम वर्ग हो जाएगा सर वर्ल्ड बैंक ने किस में रखा है मतलब इंडिया को कौन से में रखा है निम्न मध्यम वर्ग हम लोग लो तो इसी में है, अभी म, में निम्न में अभी मध्यम मध्यम वर्ग वर्ग निम्न मतलब बीच में आते हैं हमारी अब उसको जीडीपी निकालने के बाद तभी बता सकते हैं कि इस समय जीडीपी हमको अमाउंट में पता चल जाए तो हम अपने देश की जनसंख्या से उसमें डिवाइड कर दें अभी अपने आप आ जाएगा क्योंकि हमारी इनकम इतनी है तो हम उसी हिसाब से रख सकते हैं डायरेक्टली अंदाजे हम नहीं रख देंगे ना क्योंकि डेटा है ठीक तो ये हो गया है क्लियर अब हम लोग आते हैं दूसरे चैप्टर पे हेडिंग डालिए सेक्टर ऑफ इकोनॉमी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी या तो यार खुली अर्थव्यवस्था अभी बता दें क्या आप लोग ये बताइए आप लोग एग्जाम किसका देंगे सर सिविल सर्विसेज का एग्जाम देंगे ना आप लोग जी सर जी सर जी सर ठीक है जरा एक हेडिंग और डालिए उसको छोड़ दीजिए बाद में पढ़ा देंगे इसमें आप लोग क्या करिए इसमें हेडिंग वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरणिंग डालिए वैश्विक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्लोबल रिलेशन वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्लोबल रिलेशन हो गया सर ठीक है पहली क्या दो चीजें हैं अब देखिए क्या कह रहा है पहले वर्ड को समझने की कोशिश करिए कि वैश्विक संबंध आपके दो वैश्विक का मतलब क्या पूरे विश्व देश सारे देश मिलकर क्या कि एक विश्व का निर्माण कर रहे हैं ठीक अब सारे देश मिलकर अगर एक विश्व का निर्माण कर रहे हैं तो अगर आपका किसी भी देश में संबंध है तो इसका मतलब वैश्विक संबंध है ना आपका जी और वैश्विक संबंध कहाँ बनाए जाते हैं वैश्विक संबंध बनाने के लिए क्या बना हुआ है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना है हर चीज का कि जहां सारे देश जैसे वर्ल्ड बैंक क्या है वैश्विक ऑर्गेनाइजेशन ही तो है पैसे के लिए कि सारे लोगों का पैसा आदान प्रदान एक एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया जो बिजनेस होगा उसको वैश्विक आधार पर कौन संभालेगा डब्ल्यूटीओ डब्ल्यूटीओ ठीक है अब वैश्विक आधार पर अगर महामारी आती है तो वो तो नाम आप लोग जान ही गए होंगे डब्ल्यू एच ओ है ठीक है अब ये, ये, ये बताइए इन सारे लोगों को एक जगह से रेगुलेट किया जाता है उस उस बॉडी का क्या नाम है यूनाइटेड नेशन और जो विश्व बैंक है और जो ये सारी चीजें हैं लाइक है जो क्या हेड ऑफ डिपार्टमेंट यूएन है और उसी की सारी ब्रांचेस हैं ताकि हम सारे विश्व की व्यवस्थाओं को एक मंच पे लाकर सबको सुख और समृद्धि प्रदान करें यानी समानता का अवसर सबको प्रदान किया जाए जिस तरह से देश में प्रदान किया जाता है ठीक है अब इस आधार पर मुद्रा आता है इस आधार पर यह व्यवस्था होती है कि अगर किसी देश का किसी देश के लोगों से संबंध है दूसरा मुद्दा यह हो सकता है कि उस देश का किसी दूसरे देश के से संबंध नहीं है तो इसका मतलब कि कि अब हम अगर देखें वैश्विक संबंधों पर अगर वर्गीकरण तो करें तो कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था हो सकती है दो प्रकार की खुली और बंद दो प्रकार की अर्थव्यवस्था हो जाएगी एक जन का क्या है एक जन का वैश्विक संबंध है और एक जन का वैश्विक संबंध नहीं, नहीं। तो ये मुद्रा मुद्दा आ जा रहा है तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे बंद अर्थव्यवस्था इसमें थोड़ा सा हम आपको पॉइंट लिखवाएंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया बनते हैं स्टेटमेंट वाले बंद अर्थव्यवस्था में लिखेगा वह अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था द इकोनॉमी विच एनी इकोनॉमिक रिलेशन विद द एक्सटर्नल इकोनॉमीज वह अर्थव्यवस्था जो बाहरी अर्थव्यवस्थाओं से किसी भी प्रकार से वह अर्थव्यवस्था जो बाहरी अर्थव्यवस्थाओं से किसी भी प्रकार से आर्थिक संबंध आर्थिक संबंध हिंदी वाले लोग सुन रहे हैं जी सर तो थोड़ा सा आर्थिक संबंध जो लिखे हैं वहां ब्रैकेट में आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिखे लेन देन तो अगर एक्सपोर्ट हाँ तो भाई कोई चीजें हैं लेन देन ब्रैकेट बंद करिएगा किसी भी प्रकार से आर्थिक संबंध नहीं रखती है नहीं रखती है अंग्रेजी वाले लोग लिखे द इकोनॉमी विच हैव एनी इकोनॉमिक रिलेशन विद द एक्सटर्नल एक्सटर्नल इकोनॉमिक ठीक है हिंदी वाले लोग लिखेंगे रखती है के बाद लिखेंगे अर्थात आयात निर्यात की गतिविधियां अर्थात आयात निर्यात की गतिविधियाँ क्या होंगी हिंदी वाले खाली बोलेंगे नहीं होगी ना सर नहीं होगी हाँ आयात निर्यात की गतिविधियाँ मतलब प्रतिबंधित होगी प्रतिबंधित नहीं है शून्य होंगी लिखिए शून्य अर्थात आयात निर्यात की गतिविधियाँ शून्य होती हैं, शून्य होती हैं। तथा निजी क्षेत्र की भूमिका निजी क्षेत्र की भूमिका नगण्य होती है यानी न के बराबर होती है नगण्य होती है अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे एक्सटर्नल इकोनॉमी तक हो गया है ना yes, आ, yes, कामा लगाइएगा दैट इज दैट इज the activities the activities of import export are zero the activities of import export are zero and the role of private sector and the role of private sector is nil निल जिबल लिख लीजिएगा इकोनॉमिक वर्ड है या नील ही समझ सम सकते हैं इसमें नील ही लिख लीजिए अब ये बताइए इसका एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जैसे देखिए मान लीजिए क्या हुआ कि अभी जो हाल ही में एक देश है नॉर्थ कोरिया ठीक अब नॉर्थ कोरिया ने अपने कुछ ऐसे कार्यों के कारण उस पर क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन और तमाम वैश्विक संस्थाओं ने उसके आयात निर्यात पर क्या कर दिया रोक लगा दिया इसका मतलब क्या कह रहा है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मैक्सिमम बाउंडेड यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर क्या हो एकदम बिल्कुल मैक्सिमम बाउंडेशन हो अब यहां पर हमने कहा कि बंद अर्थव्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर तो बिल्कुल क्या है निल है। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि फिर हम यहाँ बोले हैं क्या कि लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर कुछ तो निर्यात कर रहा होगा right, बोलिए थोड़ा right, बहुत बोल। निर्यात कर रहा होगा और जो निर्यात कर रहा होगा उतना आयात कर ले रहा होगा तो मान लीजिए कि सौ रुपया का बेचा तो अपनी आवश्यकता का सामान सौ रुपया को उससे खरीद लिया तो सौ माइनस तो so. so. वो तो रहा है लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या हो रहा है जीरो इसलिए जो ध्यान से देखिएगा इसमें उदाहरण लिखेगा नॉर्थ कोरिया फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया हो गया सर ठीक है अब उसके बाद इसमें आप लोग एक फार्मूला लिखिए एक्स माइनस एम इक्वल टू इंपोर्ट। एक्स का मतलब होगा निर्यात निर्यात का मतलब सामान बेचना और यम का मतलब आयात आयात का मतलब दूसरे देश से सामान खरीदना जहां आ लगा वहां आता है नी का मतलब जाता है तो क्लियर हो गया ना जी, जी सर चलिए अब दूसरी हेडिंग डालेंगे खुली अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमी इसमें लिखेगा यह वह अर्थव्यवस्था है वह अर्थव्यवस्था है जिसका शेष शेष का मतलब जो सरप्लस है शेष यह अर्थव्यवस्था है जिसका शेष विश्व के साथ आर्थिक संबंध होता है या सिंपल वर्ड में लिख सकते हैं कि यह वह अर्थव्यवस्था है जिसका विश्व के दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध होता है होता है तथा वस्तुओं और सेवाओं का तथा वस्तुओं और सेवाओं का अन्य देशों से वस्तुओं और सेवाओं का अन्य देशों से आयात निर्यात किया जाता है आयात निर्यात किया जाता है अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे दिस इज द इकोनॉमी दिस इज द इकोनॉमी विच हैज इकोनॉमिक रिलेशन विद विच हैज इकोनॉमिक रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कामा इन दिस इकोनॉमी in this economy goods and services are imported ya yeah, goods and services are import and export from other countries from other countries aap logon ko samajh mein aaya clear yes sir क्या कह रहा है वहां का सीधा उल्टा है अब मान लीजिए कि अभी आगे हम चीजों को लिखवाएंगे तो उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था यहां पर क्या कर रहा है कि यहां पर जो प्राइवेट सेक्टर के लोग होंगे उन पे बाउंडेशन होगा कि नहीं, हो? नहीं, नहीं होगा नहीं होगा वहां तो सीधे सीधे उन्होंने कह दिया बंद है तो वहां पर प्राइवेट नगर हो गया लेकिन यहां पे क्या है यहां पर ओपन है तो इसका मतलब कि ओपन है तो इसमें सरकार भी बेचेगी और प्राइवेट भी बेचेगा लेकिन ध्यान रखिएगा हमेशा कि हमेशा आगे कौन रहेगी सरकार गौर्ण। गौर्ण। गलती से मत कर दीजिएगा कि की दोनों लोगों का मैक्सिमम कह रहा है मैक्सिमम बाउंडे मिनिमम बाउंडेशन रहेगा वहां पर क्या रहता है मैक्सिमम बाउंडेशन मैक्सिमम बाउंडेशन अगर सरकार चाह रही है कि यहाँ कुछ बेचना है जरूरत है प्राइवेट वाले हैं तो सरकार क्या करेगी कि ठीक है इसमें से दो चार परसेंट बेच लो लेकिन और नहीं बेचना है लेकिन यहां पे क्या कह रहा है कि यहां पे कह रहा है कि मैक्स मिनिमम बाउंडेशन ऑफ गवर्नमेंट लेकिन ध्यान रखिएगा वो ये नहीं कह रहा है कि नो बाउंडेशन कह रहा है क्या मिनिमम बाउंडेशन ऑफ गवर्नमेंट यानी कि बाउंडेशन बहुत कम है तो ये स्थिति आएगी और इसके एग्जाम्पल है हांगकॉन्ग और सिंगापुर अब हम आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछें क्या भारत की अर्थव्यवस्था इस अर्थव्यवस्था की विशेषता लेके चल रही है कि नहीं चल रही सर अभी चल रही है पहले नहीं चलती थी ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं न कहीं अगर देखा जाए कि मिक्स्ड इकोनॉमी में खुद ही अर्थव्यवस्था के लक्षण पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे पाए जाएंगे सर तो ध्यान रखिएगा जो हम बोल रहे हैं स्टेटमेंट ठीक है कह रहा है क्या कि लिख लीजिए इसको नोट करके नीचे लिखेगा आधुनिक विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्था के रूप में कार्य कर रही ऑलमोस्ट ऑल इकोनॉमी आधुनिक विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्था के रूप में कार्य कर रही ऑलमोस्ट ऑल इकोनॉमीज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड आर ओपन इकोनॉमीज ओपन इकोनॉमीज ठीक है सर ठीक है हो गया अब आप लोग जरा थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स इसके लिखिए क्वेश्चन टाइप के लिखिएगा ये चैप्टर हो गया फिनिश हम आपको नेक्स्ट क्लास में सेक्टर पढ़ाएंगे ठीक है इसमें जरा क्वेश्चन लिखिए और थोड़ा तुरंत आंसर दीजिए आप लोग दिमाग लगा के लिखिए हिंदी अंग्रेजी दोनों लो लिखेंगे सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एंड जीएनपी आर इक्वल सकल घरेलू उत्पाद एवं राष्ट्रीय आय दोनों एक समान होते हैं जीडीपी दोनों एक समान होते हैं क्या है आंसर? कौन दे रहा है सर नहीं होगा। नहीं है कि सर। सर। अच्छा। क्या कह रहा है सकल घरेलू उत्पाद का मतलब जी डी पी सर जीडीपी की परिभाषा क्या होती है की कि किसी देश की आर्थिक सीमा के अंदर जितना उत्पादन होता है मतलब आप भारत की जो बाउंड्री है उसके अंदर जो कमाया गया पैसा है पूरा टोटल साल भर में सरकार को जो टैक्स नॉन टैक्स के रूप में मिला है जीडीपी में जो आया है ठीक वो और जो राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय आय में क्या होता है वो जीएनपी होती है तो, तो जीएनपी में क्या किया जाता है जीएनपी में जो इंडियन नेशनल दो दो में दो में भी कमा रहे हैं आ? उनका मान जाएगा लेकिन जो इंडिया में रह के जो फॉर कमा रहे हैं वो कैलकुलेट नहीं किया आ, जाएगा ठीक है तो यहाँ हम क्या दे रहे हैं स्टेटमेंट आपको क्या दिख रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय दोनों एक समान कब होते हैं जब बाहर से आने वाली इनकम जीरो होती है एक्स माइनस है हम राइट right, सर so, बंदर व्यवस्था होगी तो इसका आंसर दीजिए जहां-जहां सेट करना अपना दिमाग लगा सेट करिए उसको आप लोगों को समझ में आया मैडम लोग यस yes, सर ये स्टेटमेंट गलत है ना गलत नहीं अगर है हमने सर, हाँ। अगर बंदर अगर हाँ। बंदर व्यवस्था होगी तो फिर सही होगा सर हाँ। देखो क्या कह रहा मान लीजिए कि हमने घर से मतलब हम अपने पूरे देश से कमाए 100 रुपया ठीक है तो जो x है मान लीजिए x है तो x हमारा सामान है 100 रुपए जा रहा है ठीक है और यम यम का मतलब कि हमको उतना दाल मंगानी है एक सौ दस रुपया दाल मंगानी है अभी बताओ सौ रुपया तो हमारा गया मतलब सौ रुपया सामान हमने बेचा और हमने कितने खरीद लिया एक सौ दस रुपये का तो हमने बेचा सौ का एक सौ दस का खरीदा तो मान लो दस रुपया तो भारत की स्थिति यही है कि जीडीपी में भी में उठा के देना पड़ता है ठीक है तो अब यहाँ क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जो हमारी इनकम है जीडीपी वो सौ रुपया है अभी आगे पढ़ाएंगे जीडीपी तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी लेकिन हम पॉइंट की वजह से जो हमारे देश के लोगों के द्वारा जो हमारी घरेलू सीमा के अंदर कमाई गई यानी हमारे देश की कमाई सौ रुपया है और हमने सौ रुपया का सामान पाकिस्तान को बेचा तो कितना आया हमारे पास सौ रुपया मान लीजिए दस रुपया का सामान बेचा तो हमारे पास कितना आया दस रुपया लेकिन पाकिस्तान से हमारे पास हमारे क्योंकि जितना टमाटर पाकिस्तान में उत्पादन होता है उतना टमाटर हमारे हाथ होता नहीं है ठीक है और हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट है तो हमको फिर वही दस रुपया जो पाकिस्तान से हमने बेचा था उसको दाल बेचा चावल बेचा कुछ बेला था, हमने कहा कि एक काम करो कि हमको तुम टमाटर दे दो दस रुपया तो हमारे पास दस रुपया आया और क्या हुआ दस चला चला भी गया। चला गया तो हमारी इनकम सौ रुपया थी इनकम कितनी है जो हमने बेचा और खरीदा उस, उसके बाद हमको कुछ प्रॉफिट मिला है नहीं नहीं कुछ नहीं मिला तो जरा स्टेटमेंट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय दोनों क्या है मतलब हम घरेलू जो जो सौ रुपया है हम उसी को मान लेंगे ना कि अभी ये राष्ट्रीय आय है इसमें हमारा कोई इजाफा नहीं हुआ है जी सर तो ये स्टेटमेंट समझ में आया घरेलू सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय दोनों क्या हो जाएंगे एक एक समान। तो हो जाएंगे, ठीक है अच्छा चलिए दूसरी चीज अब अगर जहाँ अंतर हो जाएगा तो ओपन जीडीपी सौ रुपया है और हमारे पास क्या है हमने सौ रुपया, पचास रुपया बेचा और चालीस रुपया खरीदा तो इसका मतलब हमारे पास कितना बचा दस रुपया एक्स्ट्रा इनकम आई ठीक है तो हमारी जीडीपी तो सौ रुपया थी लेकिन जो राष्ट्रीय आय हो गई कितनी हो गई एक सौ दस बाईस, चालीस पचास का हमने बेचा ठीक है सौ रुपया तो हम अपने जीडीपी में कमाए थे मतलब हम अपने देश से सौ रुपया कमाए थे और उसके बाद हमने पचास रुपया था लेकिन हमने चालीस रुपया सामान आयात भी कर लिया तो हमारे पास पचास आया था लेकिन चालीस चला भी तो गया एक सौ दस एक सौ दस जीडीपी कितनी है सौ रुपया लेकिन राष्ट्रीय आय कितनी है एक सौ दस रुपया तो अंतर हो गया ठीक है तो राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू आय में अंतर होगा तो कौन सी अर्थव्यवस्था होगी खुली ओपन इकोनॉमी जिसको नहीं समझ में आएगा तुरंत बता देगा अच्छा चलिए ठीक है वह कौन सी अर्थव्यवस्था है जो विश्व में होने वाले परिवर्तनों से अप्रभावित रहती है कहाँ आ रही है यहाँ पे हम बंद और खुली पढ़ा रहे हैं अब अगर मान लीजिए आपका किसी से कोई संबंध नहीं है तो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो ही नहीं रहा है तो क्या कह रहा है कि वह कौन सी अर्थव्यवस्था है जिसमें शेष विश्व में होने वाले परिवर्तनों से यह अप्रभावित रहती है बंद बंद, बंद। कि हम बेच ही नहीं रहे जितना बेच रहे हैं उतना खरीद रहे जो प्रॉफिट है नहीं है तो दिक्कत क्या है अब अगर भारत का जब अगर मान लीजिए क्रूड ऑयल महंगा होगा तो भारत में मोदी जी तुरंत पेट्रोल का दाम बढ़ाएंगे ठीक है बढ़ा दिया सर तो फिर संबंध है तभी तो पता चल रहा है ना कि वहां अगर घटा बड़ा कुछ परिवर्तन वहां होगा तो यहाँ उस परिवर्तन का प्रभाव क्या है? पड़ेगा चलिए अब दूसरा चीज आता है कि उपभोग यानी कंजप्शन और विनिमय यानी एक्सचेंज दोनों बराबर होते हैं सर रिपीट करिए कंजम्पशन एंड एक्सचेंज इक्वल बोथ ये भी, भी बंद अर्थव्यवस्था में होगा ना ठीक है क्योंकि हम उतना विनिमय करेंगे जितना हमको क्या है जरूरत होगी ठीक है अब दोनों क्या हो जाएंगे उत्पादन के बराबर हो जाते हैं इसका मतलब कि उत्पादन हम एक्स्ट्रा कब करते हैं जब हमें कहीं बेचना होता ठीक है लेकिन हम बेच नहीं रहे हैं तो इसका मतलब ये जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है बंद अर्थव्यवस्था अर्थ अब ये बताइए वह कौन सी अर्थव्यवस्था है जिसमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लाभ प्राप्त होते हैं अंतरराष्ट्रीय अर्थ व्यापार होगा लाभ प्राप्त होगा तो इसका मतलब की अंतरराष्ट्रीय स्टेटमेंट समझने की कोशिश करिएगा दूसरी चीज है कि वह कौन सी अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजी नगण्य होती है यानी कैपिटल फॉर्मेशन इज निलोज इकोनॉमी क्योंकि हमारे पास बाहर से कुछ आएगा नहीं जब हमारे पास कुछ आएगा नहीं तो हम बचत नहीं कर पाएंगे बचत नहीं कर पाएंगे तो हम इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे अगर हम इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे तो हम उत्पादन नहीं कर पाएंगे उत्पादन नहीं कर पाएंगे तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो हम रुपया दूसरे से कमा नहीं पाएंगे तो अब ये बताइए कि इसमें से दोनों में से कौन सी एक वास्तविक अर्थव्यवस्था है और एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था ओपन रियल है और रियल है है और क्लोज्ड सर इमेजिनरी ठीक तो एक हाइपोथेटिकल है या, तो या इमेजिनरी है और दूसरी जो खुली अर्थव्यवस्था है वो रियल इकोनॉमी है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट वाले इस पे आते हैं तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को यस सर 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 जी, सर। जी सर। कल हम लोग पढ़ेंगे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी उसमें सारी चीजें प्राथमिक क्षेत्र क्षेत्रीय क्षेत्र जहां से इन सारी चीजों का कैलकुलेशन किया जाता है कि कितना हमारे पास कहां से आया है ये सारी चीजों का जो मेन सेक्टर है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी इनको कल हम लोग बिताएंगे ठीक जी सर बाकी आप लोगों को जो कंफ्यूजन रहता है जो कुछ क्वेश्चन आपके मन में चलते हैं वो आज के टाइम पे बता दिया करिए ताकि हम कल उसका विधिवत डिस्क्रिप्शन सहित आपको जवाब दे सकते तो पढ़ने के, के बाद कंक्लूजन आता है हाँ तो चलिए बाकी फिर कल मुलाकात होती है सब लोगों से ठीक है सर धन्यवाद सर गुड नाइट थैंक यू थैंक यू सर